to my channel. Today I'm going to teach you how to draw notes in your diary. So let's us begin. मैंने आधा बना लिया है, अब मैं आपको आगे के कलर्स बताती हूँ. ओके, फर्स्ट मेरा ऑरेंज कलर है, देन रेड है जो कि मैं अभी कर रही हूँ. रेड के बाद है मेरा कलर पिंक. दिस इज पिंक कलर. आप पेंसिल कलर्स यूज़ करना ज़रूरी समझिए, क्योंकि अगर हम परमानेंट मार्कर मतलब यूज़ करेंगे तो उस पर लिख नहीं पाएंगे क्रियॉन्स से. मतलब क्रियॉन्स अगर हम करेंगे कलर उससे तो हम इस पेंसिल लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रहे कि आपको पेंसिल कलर्स यूज़ करने हैं. ओके, अब नेक्स्ट कलर हमारा पिंक है. मैं लिखने वाली हूँ स्माइल. आप क्या लिखोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और जिस जिसको ब्लैक पिंक पसंद है और BTS पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताना नीचे किस किस को पसंद है ब्लैक पिंक और BTS किस किस को पसंद है. आई लाइक बोथ एंड बोथ एंड आई लाइक बोथ वेरी मच, बट दे आर बैन इन 2023. दे आर बैनिंग नाउ, दैट्स वाई आई एम सैड, क्योंकि मैं ब्लिंक हूँ की ब्लिंक. ओके, अब हम आप बातों से ज़्यादा हम इस पर ध्यान देते हैं. तो अब नेक्स्ट कलर मेरा मेरा नेक्स्ट कलर BTS कलर है पिंक पर्पल. सॉरी, इसको हम थोड़ा मतलब ज़्यादा लाइट करेंगे. लाइट करेंगे तो अच्छा इफेक्ट रहेगा. जैसे भी आपको करना हो आप कर सकते हैं. ओके, आपको नोट्स चिपकाने हैं बस अपनी डायरी में. मेरा होने वाला है, ये मेरा लास्ट कलर है पर्पल. ओके, दिस इज माय लास्ट कलर. And see how I am doing this drawing. First मैंने हार्ट ड्रॉ करे, फिर मैंने उसमें कलर्स किए. देखो, और मेरे कलर्स हो भी गए. आप जो भी अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप मेरी मर्ज़ी से कलर करेंगे. आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर कर सकते हैं. देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, कितना ब्यूटीफुल है ये. इट Isn't beautiful? Okay. अब हमें इसको आउटलाइन करना है और इसमें लिखना स्माइल. जो भी आपको पसंद है वो लिख दो. ओके, स्माइल स्माइल इसमें आ जाएगा. ओके, अब मैंने इसको लिख लिया है. देन आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और BTS या ब्लैक पिंक भी लिख सकते हैं. ओके, हाँ, मैंने लिखा है स्माइल. आप कुछ और भी लिख सकते हैं गाइस, मेरी पसंद का आप नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं. जो मैंने लिखा है जितना आपके बॉक्स में आ जाए, जितना आपके हार्ट में आ जाए वो आप लिख सकते हैं, मेरी मर्ज़ी नहीं है कोई भी. ओके, पर्पल कलर थोड़ा बाहर निकल गया तो उसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँगी. अब परमानेंट मार्कर. नाउ मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ. रुको रुको, वेट वेट वेट. फर्स्ट अपना पेन लो. मेरे पास ये वाला पेन है, पॉपेट पेन. सो मैं इससे कुछ लिख रही हूँ. ओके, गेस करो मैं क्या लिख रही हूँ. जो पर्पल कलर के बहुत फैन होते हैं वो, उनके लिए मैं लिख रही हूँ ये. आप भी लिख सकते हैं BTS. मैं भी लिख रही हूँ BTS. ये मेरा BTS वाला. जैसे आपको क्लाउड बनाना तो बना सकते हैं,
BTS। मैं बना रही हूँ क्लाउड यहाँ पे। हाँ अच्छा गाइस, मुझे कमेंट में बताइए कि आपके स्कूल में जब कोई हेडिंग लिखवाते थे क्या उसके ऊपर क्लाउड बनवाते हैं आपसे? मुझे ये कमेंट में बताइएगा। क्या ऐसा होता है आपके पास साथ में? मेरे साथ तो कभी भी हो जाता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, हेडिंग लिखवाती हैं मैम और मैं उसको क्लाउड बनाती हूँ, क्योंकि मैम के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि क्लाउड बनाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए दैट्स वाई मैं क्लाउड बनाती हूँ। नाउ सी, हम इसमें शेडिंग कर देते हैं हल्की सी, जिस कलर का हमने हार्ट बनाया है। ओके हम इस पर शेडिंग कर देंगे, बहुत क्यूट प्यारा लगेगा ये। शेडिंग मीन्स लाइट लाइट हल्का हल्का हाथ इसका लगाएंगे हम। पिंक ब्लू एंड पर्पल, एंड आवर पर्पल क्या बताती हूँ, आवर पर्पल क्लाउड पीडियास। ओके तो गाइस, ये रहे मेरे नोट्स। अब आपको भी अगर आपको ऐसे बनाने हैं, या फिर आपको ऐसे स्टाइल करने हैं, या फिर आपको अपने स्टिकर्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हो। श्योर अब इस पेपर को कट कर लेना है, ये तो मेरा कटेबल पेपर है, क्योंकि इसमें ऊपर ज़िगज़ैग लाइन है तो उस पर कटेबल है। अब ये देखिए कितना प्यारा है गाइस ये। ओके तो इसको टू पार्ट्स में मीन्स फोल्ड कर लेना है हमें, एक गिफ्ट में मजा आता है ना, बहुत प्यारा लग रहा है गाइस ये जो मैंने बनाया है। दिस इज़ वेरी नाइस आइडिया फॉर मी। अब अपनी डायरी लीजिए, मेरी डायरी ये है। ओके मैं अपनी डायरी लूँगी। हाँ मैं अपनी डायरी लेने के बाद क्या करूँगी, देखो मैं इधर पेस्ट कर दूँगी, मैं इधर पेस्ट कर दूँगी। ग्लू तो सबके पास होती है, तो मुझे पता है ग्लू सबके ही पास होती है। ओके मैं इसको ज़िगज़ैग वे में लगा रही हूँ, आपको जैसे लगानी हो वैसे लगा सकते हैं, मैं यहाँ लगा रही हूँ। थोड़ा केयरफुल, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सॉरी ऐसे भी नहीं लगाना था।